ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। अगर आप भी घर पे बनाना चाहते हैं चॉकलेट केक बिना किसी झंझट के, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक बनाइए बहुत ही आसान रेसिपी के साथ मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिबास किचन। आज मैं आपको बहुत ही इजी चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 कप पाउडर शुगर लिया है। इसमें हम 1/2 कप बटर डालेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स करें जब तक कि ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। ये देखिए ये बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब आप इसमें 1 अंडा डालकर मिक्स करें। अब आप इसमें 1 टीस्पून वेलिना एसेंस डालकर मिक्स कर लें। अब हम इसमें 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 कप कोको पाउडर डालकर आप इसे अच्छे से चाल लें। वन टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर और 3/4 कप मिल्क डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैं इसमें 1/4 कप मिल्क और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैटर गाढ़ा लग रहा था, तो टोटल मैंने इसमें 1 कप मिल्क ऐड किया है। केक का बैटर देखिए तैयार हो गया है। अब आप इसे केक बोल में ट्रांसफ़र कर लें और इसे प्री हीटेड ओवन में डालकर 160 डिग्री पर 30 से 40 मिनट के लिए बेक करें। केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक तैयार है। अब आप इसे ठंडा होने दें। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम विप क्रीम तैयार कर लेते हैं। ये मैंने विप क्रीम लिया है, ये स्वीट विप क्रीम है। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी ब्रांड का विप क्रीम ले सकते हैं। 1 कप विप क्रीम आप निकाल लें, उसे एक स्टील के बर्तन में डालें, फिर एक बड़ा बर्तन लें, उसमें बर्फ़ वाला पानी डालें और फिर उस पर ये बर्तन रख के आप क्रीम को अच्छे से विप करें। क्रीम को 2 से 3 मिनट के लिए पहले लो स्पीड पे व्हिप करें, उसके बाद आप इसे मीडियम स्पीड पे व्हिप करें। सात से आठ मिनट में आपका क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगा। फिर आप इसमें 1 टीस्पून वेलिना एसेंस डालकर मिक्स कर लें। अगर आप अनस्वीटेंड क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर लें। शुगर सिरप बनाने के लिए 1/4 कप पाउडर शुगर ले, 1/4 कप ठंडा पानी ले, दोनों को अच्छे से मिक्स कर ले। केक जब अच्छे से ठंडा हो जाए तब आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले। फिर 1 पार्ट पे आप शुगर सिरप जो हमने तैयार किया था वो डालें, फिर आप ऊपर से विप क्रीम लगाएं और इसकी एक पतली सी लेयर लगा लें। अब इसके ऊपर आप केक का सेकेंड लेयर रख दें। इसे आप उल्टा करके रखें, मतलब जो ऊपर का साइड था उसे आप नीचे कर दें और जो नीचे का साइड था उसे ऊपर कर दें। फिर उस पर भी आप शुगर सिरप डालें और उसके बाद विप क्रीम लगाएं। मैं यहाँ पे विप क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा रही हूँ, इसे हम क्रम्ब कोटिंग कहते हैं। तो विप क्रीम को आप केक के चारों तरफ अच्छे से लगा दें। और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। साइड्स को आप क्लियर कर लें।
केक डेकोरेट करने के लिए मैं आज बास्केट वेविंग नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और नोज़ल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नोज़ल और पाइपिंग बैग मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप थोड़ा सा व्हिप क्रीम किसी भी बोल में निकाल लें और उसमें आप ब्राउन फूड कलर ऐड कर लें। आप चाहे तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। इसे डालकर अच्छे से मिक्स करें, फिर आप इसे पाइपिंग बैग में डाल दें। व्हिप क्रीम को कैसे व्हिप किया जाता है और हमें इसे किस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना चाहिए, ये सारी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। इंशाल्लाह मैं आपके साथ व्हिप क्रीम की डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को डेकोरेट कर लेंगे। आप जो डिज़ाइन चाहें वो डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बास्केट वेविंग डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इसे इस तरह से बनाया जाता है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आप केक के चारों तरफ डिज़ाइन बना लें। ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। ये देखिए कितने आराम से और जल्दी जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम चारों तरफ ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। अब हम केक के ऊपर साइड भी यही डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैं यहाँ पे स्टार नोज़ल यूज़ कर रही हूँ। स्टार नोज़ल से मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊँगी। पहले मैं यहाँ पे ब्लू कलर का फ्लावर बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर का फ्लावर बनाऊँगी। मैंने बस व्हिप क्रीम में थोड़ा थोड़ा कलर ऐड करके अलग अलग कलर का फ्लावर बना लिया है। यहाँ पर ये सारे फ्लावर मैंने स्टार नोज़ल से बनाए हैं। अब उसी स्टार नूडल से मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी केक के साइड में। अब आप नीचे भी इस तरह से फ्लावर बना लें। आपका जैसे मन हो आप वैसे केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज लीफ नूडल ले रही हूँ लीफ बनाने के लिए। तो ये देखिए हमारा केक अच्छे से बनकर तैयार है। अब आप सेंटर में जो चाहें लिख सकते हैं, किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या आपको जो भी लिखना हो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो लग रहा है ना बिल्कुल ये मार्केट जैसा केक, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दें, उसके बाद आप इसे कट करें। कट करने से 1 घंटे पहले आप इसे फ्रिज से निकाल लें, उसके बाद आप इसे कट करें, तो आपका केक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक बार आप इसे घर में बनाएंगे तो दोबारा आपको मार्केट से केक लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।